मैं आपको उपासना की जो 3 सोपान है उनको मूल रूप से कह रहा हूँ। मेरे साथ एक बार सब बोलो, प्रभो अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं। अब ये उपासना के 3 उपाय, भगवान के जैसे अनंत गुण अनंत कर्म अनंत स्वभाव, अनंत गुण कर्म स्वभाव वाले परमात्मा जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो प्रभु अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी ये अनंत गुण कर्म स्वभाव आए, यही प्रार्थना है। अनंत गुण कर्म स्वभाव, इससे हम भगवान की स्तुति करते हैं। अब ये भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव, महर्षि दयानंद ने ये उपासना के, भक्ति के, योग के, अध्यात्म के, ध्यान के, ध्यान योग के, ध्यान योग बोलो, ज्ञान योग बोलो, कर्म योग बोलो, भक्ति योग बोलो, वो एक ही बात है। 3 उपाय बताए, भगवान अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त है। तो भगवान के अनंत गुणों का, भगवान के अनंत कर्मों का, भगवान के अनंत दिव्य स्वभावों का ध्यान करना, उनकी महिमा को स्वीकार करना, ये स्तुति है। स्तुति प्रार्थना उपासना, ये 3 शब्द हमें बार बार महर्षि कहते हैं। तो ये अनंत गुण कर्म स्वभाव, यह भगवान की स्तुति। अनंत गुण कर्म स्वभावों का जब हम चिंतन करते हैं तो हम भगवान की स्तुति करते हैं। और ये भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव, वो अनंत गुण, वो अनंत कर्म, वो अनंत स्वभाव, वो भगवान की दिव्यताएं हम में उतर जाएं, ये प्रार्थना है। और वो हमारे आचरण का हिस्सा बन जाएं, हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाए, ये उपासना है। व्यापक अर्थ में हमने कह दिया, प्रभु अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त है, और वो प्रभु का अनंत गुण कर्म स्वभाव हम में कदम हम ध्यान करते हैं तो यही स्तुति है। और ये अनंत गुण माने अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत संवेदनाएं, प्रभु के अनंत कर्म, अनंत गुण कर्म स्वभाव, प्रभु हमें भी प्राप्त हो जाए, हम आप ही की संतान है, यह प्रार्थना। और बस यही हमारा स्वभाव बन जाए, यह उपासना। भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना और उपासना, इसमें सारा योग, सारा अध्यात्म, सब कुछ समाहित हो गया। कपाल भाते के बाद थोड़ा सा ये अनुलोम विलोम कर लीजिए। भाई से याद आई से छोड़ दिया, भाई से गया। भाई से छोड़ दिया। सहज होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, सहज चित्त होकर के, ओंकार प्रभु नाम।
जपो ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो। हो मंडल में उसके समान नहीं, कोई उसके समान नहीं, जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु से महान नहीं, ओंकार प्रभु नाम जपो। दयानिधि जैसा जग में नहीं पूजा, कोई जग में नहीं पूजा, मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन में करे पूजा, प्रभु नाम जपो। साधक लोग उसी का भजन सदा गावे, सब भजन सदा गावे, अलख निरंजन प्रभु का, अलख निरंजन प्रभु का दर्शन फल पावे, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन को टिका के धारणा देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येक प्राणता ध्यान हृदय वर्धमात्र आसन सर्व शमन समाधि प्रवेगत्र संयमा तज्ज्ञात प्रज्ञालोक। कान अंगूठी से बंद करके धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में ओंकार ही की महिमा को अनुभव करते हुए उसी प्रभु के अनंत गुण कर्म स्वभाव का अनंत सामर्थ्य का ध्यान करते हुए उसी की प्रार्थना उसी की उपासना करते उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं। Mmm.
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें मंद मंद से उद्गीत प्राणायाम। श्वास के साथ ओंकार का जप, आज यह चक्रिय हृदय चक्र में ही मन को टिका के रखें। ये प्रक्रिया है धारणा ध्यान समाधि की। मन को एक स्थान पर टिका देना ही धारणा, देश बंधस्य तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्ज्ञात प्रज्ञालोक। इस आत्मालोक में, ब्रह्मालोक में, आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में, आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, आज्ञा चक्रिय हृदय चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में ओंकार ही की महिमा को अनुभव करना, भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों का ध्यान करना। और ये अनंत गुण कर्म स्वभावों का जब ध्यान करते हैं तो ये स्तुति, और ये अनंत गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन में उतर जाए, ऐसे हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे हमारे स्वभाव बन जाए, जीवन बन जाए, ऐसा ही हमारा आचरण हो जाए। उपासना शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना में मनसा वाचा कर्मणा हम योग के मार्ग पर, कर्मयोग के मार्ग पर, वेद मार्ग पर, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर आगे बढ़े। यही योग और अध्यात्म। ओंकार जब एक आलंबन है,
मंत्र जप करना हो तो ओ भू भुव स्व प्रभु ओंकार हे सर्वस सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान ओंकार प्रभु हे परम सखा हे परम गुरु हे परम पिता हे परम माता हे जगन माता हे जगदीश भू आप प्राणों के प्राण प्राणाधार जीवनाधार हो जगत के आधार भुवः सब दुख दूर करने वाले दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पाया था परुख प्रभु दुख जिन कारणों से दुख होता उस अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से सबसे मुक्त करने वाले आप स्व सब सुख देने वाले तत् सवितुर्वरेण्य हे प्रभु हे सविता देव परमात्मा हे लोक लोकांतरों के पूरी सृष्टि के इस संपूर्ण अस्तित्व के रचयिता प्रभु सविता सबके सृजनहार सबके रचयिता हमारे शरीर के एक एक कोशिका जीन्स क्रोमोसोम से डीएनए टिश्यूज ऑर्गन्स हमारे इस पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड छोटे छोटे घटकों से लेकर के बड़े बड़े आकाशीय पिंडों के इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रभु आप ही रचयिता हैं। इस रचना के पीछे प्रभु आप रचयिता को हम अनुभव करें हर पल ईशावास्यमिदं सर्वं यो मां पश्यति सर्वत्र ॐ सर्वं खेदं ब्रह्म भीतर बाहर विश्व में विश्वातीत रूप में आपको अनुभव करें प्रभु तत् सवितो आप सविता का प्रभु हमने वरेण्य मरण किया है प्रभु आपको हमने स्वीकार किया है आपको हमने धारण किया है आपको हमने अपनाया है हम आपके हो चुके हैं अब आपकी शरणागत है आपके आश्रय में तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गः प्रभु अब तो भस्म कर दो सब क्लेशों को अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सब क्लेशों को काम क्रोध लोभ मोह विकार सब विकारों को सब अशुभ वृत्तियों और प्रवृत्तियों को भर्गः प्रभु सब अशुभ को दूर कर दो और सब शुभ को सारी दिव्यताओं को आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को आपके वेद ज्ञान को और वेदानुकूल आचरण को देवस्य धीमहि आपकी सारी दिव्यताओं को धीमहि धारण करें अपने आचरण में लें धिया यह न प्रचोदया यह परमात्मा न हमारी धिया बुद्धियों को प्रचोदया प्रभु हम वेद मार्ग पर चलें योग मार्ग पर चलें ज्ञान के मार्ग पर भक्ति के मार्ग पर कर्म के पुरुषार्थ के मार्ग पर परमार्थ के मार्ग पर पुण्य मार्ग पर शुभ ही के पथ पर हमारे कदम आगे बढ़े तो ओंकार या गायत्री मंत्र कैसे अर्थ भावना पूर्वक जप करते करते हम उसी भाव चेतना में बस 24 घंटे जीने लग जाते हैं और ये योग और अध्यात्म हमारा स्वभाव बन जाता है दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे आपस में अपने दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे आंखें खोल लेंगे ऐसे ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए हम योगी बन जाते हैं और योगी बन करके फिर कर्म योगी बन करके इस योग और अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ते योग और अध्यात्म में हम जीवन जीते हैं।